और आपका अपने YouTube चैनल पीटी ट्यूशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th मैथ चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स पार्ट 1 व्हाट इज फ्रैक्शन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम फ्रैक्शन की पूरी हिस्ट्री, आज प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। वो चीज करने के लिए मुझे फर्स्ट चैप्टर को रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था हमारा? हमारा नंबर्स का चैप्टर था, है ना, नंबर सिस्टम का चैप्टर था एक। उसमें हमने क्या सीखा था नंबर के बारे में? पहला नंबर कौन सा होता है? नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो हम नेचुरली बोलते हैं, जैसे किसी के भी घर पे जाते हो तो बच्चों से बोलते हो ना कि नंबर सुनाओ, तो वो क्या सुनाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, है ना, ये तो सुनाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे थोड़ी ना सुनाते हैं, या फिर -1, -2, -3 ऐसे थोड़ी ना सुनाते हैं। तो जो चीज वो सुनाते हैं मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, वो जो भी चीज होती है वो सब नेचुरल नंबर के अंदर आती है, ठीक है। अब हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे, 0 प्लस नेचुरल नंबर, तो क्या बन जाता है वो? होल नंबर, ठीक है, होल नंबर बन जाता है। क्या बनता है? 0 प्लस नेचुरल नंबर होल नंबर बन जाता है। और नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, इन सब की डिटेल्स के लिए मेरी आप प्लीज प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। -1, -2, ठीक है, ये आपको मैंने रिकॉल करवा दिए। अब इंटीजर क्या हो रहे थे? हमने पढ़े थे कि इंटीजर किस पे रिप्रेजेंट होते हैं, इंटीजर्स किस पे रिप्रेजेंट होते हैं? नंबर लाइन पर, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है एंड सो ऑन, ठीक है। आपको याद होगा, याद आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2 होता है, यहाँ पे -3 होता है एंड सो ऑन, ठीक है, याद आ रहा होगा। पिछले चैप्टर में हमने यही सब चीजें पढ़ी थी, है ना, इंटीजर्स पढ़े थे, सारी चीजें हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि ये क्या है, ये क्या है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए अपने कुछ बच्चों को बोलते हुए सुना होगा कि 0.5, है ना, हाफ ऑफ 100, है ना, हाफ ऑफ 100। तो ये सब होते क्या है? ये इन सब बीचों की कहानी है, ठीक है। मीन्स 0 और 1 के बीच में तो कुछ होगा, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो 0 नंबर, नंबर 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तो बीच में भी तो होगा कुछ। तो जो बीच की चीज होती है जैसे कि हाफ, 0.5, 2/3, 3/2, 4/1, ये सब चीज, पूरी चीज जो बीच में होती है वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो फ्रैक्शन से कर सकते हैं और या तो डेसिमल से पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे फॉरवर्ड बढ़ते हैं, अब देखिए अब हम सीखेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन और डेसिमल से दो प्रकार से हम इंटीजर के बीचों की कहानी डिस्प्ले कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे एग्जांपल के रूप में समझते हैं, जैसे कि एक हमारे पास एक पिज्जा है, और पिज्जा या फिर केक आया, केक, ठीक है, केक तो सबके घर पर आता है, केक आया है, बर्थडे था, ठीक है, केक आया। अब केक, एक बच्चा है बस, उसके मम्मी पापा केक नहीं खाते, एक बच्चा है तो वो क्या करेंगे, एक पूरा केक उसे दे देंगे, है ना। तो उसके पास कितना केक हुआ? 1 केक, एक केक हुआ, है ना, एक केक। लेकिन अगर यही केक होता और एक और दो बच्चे होते, दो बच्चे, मम्मी पापा नहीं खाते, दो बच्चे होते तो क्या करते मम्मी पापा? ऐसी तो करती हैं मम्मी जी, इसे हाफ में काट देती हैं, है ना, ले हाफ बेटा तू ले, हाफ बेटा तू ले, है ना, इक्वल पार्ट में करते हैं ना, ताकि कोई सा बच्चा रोए ना के उसके पास ज्यादा दे दिया, उसके पास ज्यादा दे दिया, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? वही फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है, ये है फ्रैक्शन की डेफिनेशन, अ पार्ट ऑफ अ होल। सिंपल सी डेफिनेशन है,
देखिए होल क्या था, वन वन होल है ना, आप जानते हैं पूरा होल का मतलब पूरा का पूरा, पूरा का पूरा क्या है वन, वन है पूरा का पूरा। अब इसके पार्ट्स कर दिए हमने, वन था ये पूरा, इसके पार्ट्स कर दिए तो क्या बन जाएंगे, वो फ्रैक्शन बन जाएंगे। ठीक है, अब इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीरो से ज्यादा है, वन से छोटा है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शन की हेल्प से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन के पास क्या आ जाएगा, वन के पास हमारा आएगा वन बाय टू, ये सारी चीजें मैं बाद में समझाऊंगा, ये आएगा वन बाय टू। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं ए अपॉन बी की कहानी। ठीक, अब पार्ट ऑफ अ होल ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसे लिखना कैसा है, नंबर की फॉर्म क्या है, ए अपॉन बी। ठीक है, एक दो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, पॉइंट्स कह रहा हूं वो याद रखने हैं। पहला पॉइंट, अगर कोई फिगर आपको दे रहा दिखा हुआ है, इसमें इक्वली पार्ट्स को डिस्क्राइब नहीं किया है, ये इसके इक्वल है नहीं ना, ये ज्यादा बड़ा है छोटा है, तो इसके हम फ्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको सिंपल सी दिमाग में डालनी है, अगर एग्जामिनर ने आपको ये दे रखा है इसके फ्रैक्शन बना के दिखाओ तो इम्पॉसिबल है, वो बन नहीं सकते क्योंकि इक्वल पार्ट नहीं है। अगर इसका दे रखा हो तो इक्वल पार्ट है ना, दोनों जगह इक्वल पार्ट है, तो इसको हम कर सकते हैं, वन बाय हाफ कर सकते हैं ना, इक्वल पार्ट दोनों जगह इक्वल पार्ट है। ठीक है, अब देखिए ए अपॉन बी, अब ए को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, टॉप, और इसको बॉटम। ठीक है, टॉप बॉटम कहते हैं, इसको टॉप कहते हैं, इसको बॉटम कहते हैं। अब मैथमेटिक की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं इन्हें, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसे आप टर्मिनेटर से याद रख सकते हैं, है ना, टर्मिनेटर मिनेटर टर्मिनेटर, इसको आप टर्मिनेटर वाली मूवी से याद कर सकते हैं। और इसको देखिए न्यूमर, इसमें नंबर होता है, नंबर की स्पेलिंग क्या है, NUMBER, बी खा लो बस हो गया न्यूमिरेटर, नेटर की आपको आती है, और इसमें अगर मिनेटर याद करना है तो टर्मिनेटर, है ना, आपने मूवी देखी होगी टर्मिनेटर की। ठीक है, ये सब है। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ऐसा क्यों है, ठीक है, अब हम पहले ये समझते हैं ए क्या है बी क्या है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बी क्या है और ए क्या है। ठीक है, बी क्या होता है, बी इक्वल पार्ट, कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया, जैसे हमने इसको एक पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसमें एक पार्ट में डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पे वन लिख देंगे, लिख दिया हमने वन। ठीक है, अब एक पार्ट ही मिला उसे, एक पार्ट डिवाइड किया, एक पार्ट मिल गया तो ऊपर भी वन मिलेंगे। ठीक है, जो मिलता है वो इसमें आता है, टोटल पार्ट्स किस में आते हैं, बी में आते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन, इसका वन बाय वन, इसको हम वन बाय वन को हम वन भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक और चीज याद रखनी है, मैंने आपसे पहले कहा था इंटीजर में हम टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इन सब के बारे में और इनके बीच वालों में समझेंगे, तो इन सबको कैसे लिखते हैं, जैसे टू को लिखना हो तो टू, जिसके पास कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, इसके पास डिनोमिनेटर है नहीं ना, डिनोमिनेटर ध्यान रखिए बी, ए अपॉन बी, ए तो है, बी कहाँ है, जिसके पास कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर वन होता है। ठीक है, ये आपको सिंपल सी बात समझनी है, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होगा वो उसका डिनोमिनेटर वन होगा। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर था वन, लिख दे नीचे। ठीक, अब देखिए ये था हमारा क्वेश्चन, हमने इसमें एक पार्ट डिवाइड किया, दो पार्ट डिवाइड करे, टोटल कितने पार्ट डिवाइड करे, दो पार्ट, दो आ जाएगा बी में, बी में आ गया ना, दो पार्ट डिवाइड करे, टोटल पार्ट जो जो डिवाइड कर रखे हैं, और ये क्या है, टोटल पार्ट जो हमें मिले हैं। ठीक है, हमने डिवाइड कितने किए थे, दो किए थे, मिला कितना था, वन का देख रहे हम, मिला कितना था, एक मिला था। ठीक है, अब इसे और अच्छे एग्जाम्पल से सीखते हैं, जैसे कि अब यही हमारा केक है। ठीक, ये हमारा केक है, तीन बच्चे आ गए, ठीक, तीन बच्चे आ गए, अब तीन में से एक और दो, ठीक है, सॉरी, तीन में से एक बड़ा है, ठीक है, बड़ा है,
करेंगे वो इसे तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे मम्मी, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए थ्री को खाना नहीं, मुझे नहीं खाना, गंदे लगते हैं मुझे केक, तो इसने अपना पार्ट किसको दे दिया, अपने बड़े भैया को दे देते हैं ना, या फिर टू को दे देगा। सपोज कीजिए उसने अपने बड़े भैया को दिया, वन को दिया, तो वन के पास पहले क्या था, वन तीन पार्ट हमारे तीन लिख दिए हमने, कितने पार्ट उस वन को मिला था, वन पार्ट मिला था, है ना, वन पार्ट तो मिल गया उसे। लेकिन जब थ्री ने उसे एक पार्ट दिया तो उसके पास प्लस वन बाय थ्री एक और भी तो हुआ, है ना एक और भी हुआ ना। देखिए फिर से देखिए, तीन पार्ट थे, तीन लिख दिया हमने बी की जगह, ठीक, कितने पार्ट मिले, एक पार्ट मिला भैया हमें, है ना। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अब देखिए, अब उसे दो पार्ट मिल गए, है ना, तो उसका टोटल क्या होगा, ठीक है। एडिशन की मेरी दूसरी वीडियो है, ठीक है, दूसरी वीडियो जाके आप देख सकते हैं। अब इसमें टोटल क्या होगा मैन्युअली करते हैं। देखिए टोटल एक दो तीन, टोटल तीन है, तीन नीचे लिख दिया, ठीक है, इसे मैं रेड से लिख देता हूं, टोटल तीन है, तीन नीचे लिख दिया, ठीक है। अब उसको कितने पार्ट मिले, एक तो अपना ही था, एक तो उसका अपना ही था, और एक थ्री का था, तो टू मिले, दो मिले ना, एक अपना था एक थ्री का था, दो मिले, तो दो बाय तीन ये हो गया इसका फ्रैक्शन जो इसे मिला है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था हम फ्रैक्शन में क्या क्या निकाल सकते हैं, जो हमें मिला है या फिर दो दूसरों को मिला है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये था हमारा, हमने तीन पोर्शन में डिवाइड किया था, है ना, इक्वल है दोनों, इक्वल है तीनों, ठीक है। अब क्या हुआ, अब टू को मिल गया इतना पार्ट, सॉरी वन को मिल गया इतना पार्ट, और जो टू था टू को तो इतना ही पार्ट मिला। अब देखिए हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं कैलकुलेट, ठीक है। पहला तरीका हमने जो इसमें किया था, इसके टोटल पार्ट कितने थे, तीन थे, पहले पार्ट में हम क्या गिनेंगे, वन के कितने थे, इसके टोटल पार्ट कितने थे, तीन थे, हम वन के नजरिए से देख रहे हैं, टू और थ्री को भूल जाओ, ठीक है हमारे पास कितने थे टोटल पार्ट, थ्री थे, कितने मिले उसे, वन को कितने मिले थे, एक तो अपना मिला था और एक थ्री का मिल गया, है ना, एक अपना मिल गया एक थ्री का मिल गया, तो कितने पार्ट मिले, दो पार्ट मिले, तो दो लिखेंगे, ठीक है, गड़बड़ मत करना, दो लिखेंगे। फिर से समझा देता हूँ, ये था। अब देखिए टोटल पार्ट जो है तीन पार्ट में डिवाइडेड है, कितने भी पार्ट कर सकते हैं हम, हजार कर सकते हैं, लाख कर सकते हैं, करोड़ कर सकते हैं, ठीक है, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, हाँ तीन पार्ट में डिवाइड है, तो तीन नीचे लिखेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, उसको कितने पॉइंट मिलते, जो वो था वन के नजर से देख रहे हैं ना, उसको कितने मिले थे, दो मिले थे, तो दो ऊपर लिख देंगे एडिटिंग, ठीक है, समझ में आ गया, फ्रेम कैसे करना है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम वन के दूसरे नजरिए से देखते हैं, एक तो उसका नजरिया था कि वो उसको कितने मिले हैं, अब दूसरा हम देखते हैं कि उसके अब दूसरे वाले को कितने मिले हैं, मींस एक तो उसको मिल गया, अब टू को कितने मिले हैं, उस कंपैरिजन में देखें टू को कितने मिले हैं, तो देखिए एक दो तीन लिख देंगे एजिटिव, ठीक है, एक दो तीन लिख देंगे एजिटिव, और दो का तो एक ही पार्ट था, तीन या फिर एक ने उसे थोड़ी ना दिया था, तो दो का एक पार्ट एक लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, एक बाय तीन, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, तो
इसको भी सेम टू सेम मिलेगा, 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 लेकिन कौन सा फ्रैक्शन मिलेगा? अभी मैंने बताया था 1 2 3 4 4 ही ना, 4 यहाँ पे लिखो, ठीक। बहुत ही महंगी जी ट्रिक है। एक एक किसको मिला? एक मिला 1 को, है ना, 1 को मिला 1, तो 1 लिख दो, ये हो गया 1 का। अब 2 पे देखते हैं, 2 को क्या मिला? 2 को भी 1 मिला। अब 2 को 1 2 3 4 4 लिख दो, और कितने मिले? 1 लिख दो, ठीक है। ऐसे कर करके आप सारी चीजें कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में 4 के बजाय 3 होते, जिसमें 3 सबसे बड़ा होता, ध्यान दीजिए, 3 सबसे बड़ा होता तो क्या होता? 4 पार्ट को कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें वन सोच रहा है मैं नहीं खाता, मुझे बेकार लगता है, मैं तो पिज्जा खाऊंगा, ठीक है, वो केक छोड़ देता है। अब क्या होगा? 2, है ना, 1 ने अपना केक 3 को दे दिया, है ना, दे दिया क्या नहीं दे दिया? एक पार्ट 3 का, एक पार्ट 1 का, ठीक है। अब 2 पार्ट बचे, ठीक है। अब एक और आ गया, उनके घर पे कोई रिश्तेदार आया था, उसने एक और पार्ट ले लिया। अब हमें बताना है कि 1 तो है नहीं, 1 तो है नहीं, इसको भूल जाओ। 2 3 और 4 को कितने मिले, ठीक है, 2 को देखते हैं पहले। 2 को कितना मिला था? किसी ने नहीं दिया 2 को, तो है ना, तो 2 का क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 4 कितने मिले उसे? 1 मिला, 1 लिख देंगे बस। और क्या हो गया? ये 2 का हो गया। अब 3 का देखते हैं, 3 का, 3 को उसने दिया था ना, इसने दिया था 3 को, दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? दिया था, ठीक है, तो 3 को दिया था। 3 के पास कितने पार्ट? 2 पार्ट हुए ना, 2 पार्ट हुए ना, तो 1 2 3 4 4 लिख देंगे। अब क्या करें? 1 2 2 पार्ट्स मिले ना उसे, 2 पार्ट्स, तो 2 ऊपर लिख देंगे, है ना। इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए दो कट रहे हैं ना ये दोनों से, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे बताऊंगा। अब 4 को कितना मिला? 4 को कितना मिला? 4 को देखिए, उसको तो किसी ने दिया नहीं था ना, 1 2 3 4 4 लिख देंगे। 4 को कितना पार्ट मिले? 1 पार्ट मिला, 1 लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा करके आप कोई से भी फ्रैक्शन फ्रेम कर सकते हैं अपने, ठीक है, अपने फ्रैक्शन फ्रेम कर सकते हैं, 2/4, कुछ भी फ्रैक्शन फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन एक बात, 3 4 बात ध्यान रखना कि फिगर होना चाहिए इक्वल फिगर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, और वो फ्रैक्शन a अपॉन b की फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें b 0 नहीं हो सकता। अब 0 क्यों नहीं हो सकता? 0 क्यों नहीं हो सकता? आपके 0 पार्ट कर सकते हैं उसके, इसमें b क्या था? टोटल पार्ट्स। आप 0 कर सकते हैं टोटल पार्ट्स के, 0 पार्ट्स से दे ही नहीं सकते, है ना, तो एक पार्ट कर सकते हो, मिनिमम एक पार्ट तो होना ही चाहिए, तभी वो फ्रैक्शन माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। 1/1 फ्रैक्शन है, लेकिन 1/0 फ्रैक्शन नहीं है, नॉट डिफाइंड। आपने डिवाइड में, डिवीजन में भी देखा होगा कि किसी भी नेचुरल नंबर, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 0 की टेबल ही नहीं होती। 0 1 0 होगा, 0 2 0 होगा, सब में 0 0 होगा, कैसे कर सकते हो आप? तो समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, इससे आंसर करते हैं, ठीक। अगर ये आपको दिया जाए, व्हाट इज 1/0 इक्वल, तो या तो आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, हो ही नहीं सकता ये, या तो लिखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है फ्रेंड्स। आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है, मेरी ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए, और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पे प्लेलिस्ट का बटन है, जाके मेरे सारे चैप्टर्स देखिए। थैंक यू।